हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे आतंकवाद की सफलता। अभी हमने आतंकवाद का इंट्रोडक्शन पढ़ा, मीडिया कवरेज पढ़ा, किस प्रकार से प्रोत्साहन है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम आज ये देखेंगे कि वास्तव में आतंकवाद ने कौन कौन से अचीवमेंट किए या इसका कोई फायदा भी नजर हमें आया, या इनकी सफलताएं कौन कौन सी सफलताएं इन्होंने हासिल की, या कौन कौन से अचीवमेंट इन्होंने हासिल किए, कौन कौन से बदलाव इन्होंने हासिल किए, ये इस बिंदु में हम पढ़ेंगे। तो वास्तव में इनका जो मेन लक्ष्य रहा है वो रहा है वर्तमान शासन से सत्ता छीनना, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक ईरान हो, सीरिया हो, चाहे वो बहुत सारे और प्रशासन हो, पाकिस्तान हो। अगर हम देखें आतंकवाद से सत्ता का खेल, तो ये सबसे पहले आया अफगान में। अफगानिस्तान में 1996 से ये मसला चला और फिर सरकार पर काबिज होने के लिए लगातार ये प्रयास करते रहे। और यहाँ का जो महत्वपूर्ण संगठन था वो कौन सा था? तालिबान था। तालिबान ने लगातार ऐसे प्रयास किए, धीरे धीरे सत्ता को अभ्यस्त कर दिया और सत्ता के पैरेलल समांतर सत्ता। आप जानते हैं कि कई बार हमने देखा होगा, जब हम नौकरशाही पढ़ेंगे, जब हम आर्थिक वैश्वीकरण पढ़ेंगे, तो वहां पैरेलल गवर्नमेंट की बात हम करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि वो सरकार के बराबर आके खड़ी हो जाती हैं। जो चेंजेस सरकार करना चाहती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं करने देती। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके दबाव में सरकार को फैसले करने पड़ते हैं। ठीक ऐसा ही आतंकवाद के साथ भी है। आतंकवाद भी एक समांतर सरकार चलाता है, आतंकवाद के दबाव में सरकार फैसले नहीं ले पाती है, या यूं कहें आतंकवाद ही एक प्रकार से सरकार बन जाता है। जैसे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादी संगठन हैं, जिसमें प्रमुख अभी जो लेटेस्ट मुद्दा है हाफिज सईद का है। आतंकवादी कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि हमारे हाथ में पावर ऑफ मॉनिटर हो, यानी कि गवर्नमेंट का जो पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास आ जाए। तो पहला उद्देश्य इनका क्या है? वर्तमान शासन से हर हाल में हमें सत्ता का ट्रांसफर हो, या उस सत्ता में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, जिससे जो भी फैसले हो सके वो हम आसानी से ले सकें। दूसरा यहाँ पर उदाहरण मिला है केन्या। केन्या एक देश है जिसमें एक माओ एक जगह है, इसका एक जो आतंकवादी संगठन है वो ईओकेए है। इसकी फुल फॉर्म आपके किताब में प्रिंटिंग है, आप देख लीजिएगा। वास्तव में इसने जो काम किया वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकने का किया। जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका को आजाद करवाया था, उसी प्रकार से ब्रिटिश जो उपनिवेश थे, अंग्रेजों के जो गुलामी थी, उससे आजादी केन्या को किसने दिलाई थी? इसी आतंकवादी समूह को। इनका बड़ा योगदान रहा हिंसा के माध्यम से। हम जानते हैं आतंकवादी संगठन हिंसा पर आधारित ही होते हैं, भय आधारित होते हैं, छीन कर लेने की बात ये करते हैं। जबकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखें तो अहिंसा पर आधारित था, गांधी जी के अनुयायी थे। कांग्रेस, जैसे आज देखें तो कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो मेन एजेंडा था वो था अहिंसा पर आधारित, कि हम अंतरात्मा के दम पर हृदय परिवर्तन सामने वाले का कर देंगे। गांधी जी वास्तव में राम राज्य की बात करते थे। गांधी जी ने यहां तक कह दिया था, हिंसा के माध्यम से यदि मुझे आजादी मिलती है तो मुझे ना ऐसी आजादी चाहिए, ना ऐसा देश चाहिए, यानी कि मुझे पवित्र तत्व के आधार पर, अंतरात्मा के आधार पर और अहिंसा के माध्यम से मुझे सब कुछ चाहिए। जबकि यहां हम देखते हैं केन्या में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो घटनाक्रम हुआ, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा? माओ के एक आतंकवादी संगठन इको का रहा। FLN, ये अल्जीरिया में फ्रांस के विरुद्ध, फ्रांस का यहाँ शासन था, इसके विरुद्ध भी सेम घटना यहाँ हुई। यहाँ ब्रिटिश का उपनिवेश है, यहाँ फ्रांस का उपनिवेश है। आप जानते हैं फ्रांस ने भी बहुत जगह, डच, फ्रांस, पुर्तगाली और अंग्रेज चारों ने ही भारत पर भी कब्जा कर रखा था। बहुत सारी जगह
फ्रांस का भी शासन था लेकिन चला सिर्फ ब्रिटिश का ही। ब्रिटिश का शासन बहुत लंबे समय तक और दुनिया के बहुत बड़े भागों पर चला। यदि आज हम देखें तो दुनिया के बहुत सारे देश ब्रिटिश के गुलाम ही थे, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं वो उन्हीं देशों के मध्य होते हैं जो ब्रिटिश के गुलाम थे। एक प्रकार से वो गुलामी का एजेंडा अभी भी चल ही रहा है। तो अल्जीरिया एक जगह का नाम है, उसमें FLN इस प्रकार का ये आतंकवादी संगठन था। इसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध कार्य किए और फिर उसमें सफलता भी प्राप्त की। तो ये बड़ी दो सफलताएं आतंकवाद को मिली, एक तो ब्रिटिश गुलामी से आजादी केन्या को और अल्जीरिया को फ्रांस की गुलामी से आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान इन संगठनों का रहा। तो ये एक अच्छी चीज इनके लिए रही। लेकिन 20वीं सदी के आतंकवाद को देखें तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसी सफलताएं इनके विरुद्ध यहां इनको नहीं मिली। जैसे ब्रिटेन से केन्या को आजादी दिला दी, अल्जीरिया को फ्रांस से आजादी दिला दी, लेकिन 20वीं सदी में देखें तो 100% आजादी का मामला नहीं बैठा। 100% टारगेट अचीवमेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज को नहीं मिला। इसमें उदाहरण देखें, खालिस्तान पंजाब जो मैंने आपको डेट बताई थी 1985 से 95 के मध्य पंजाब हिंसा का दौर चला, ऑपरेशन ब्लू स्टार 84 में चला, ऑपरेशन ब्लू स्टार इसका माध्यम था स्वर्ण मंदिर पर क्या हो गया था, कब्जा हो गया था किनका, आतंकवादियों का, और फिर इसको मार गिराया गया। ऑपरेशन ये चलाया गया था 1984 में, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और फिर बाद में इंदिरा गांधी की हत्या की गई। इंदिरा गांधी की हत्या 84 में हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार पहले ही हो गया था इंदिरा गांधी के सेकेंड कार्यकाल में ही। इसके बाद लिट्टे का उदाहरण हम देखें तो लिट्टे श्रीलंका का आतंकवादी गुट है। हमने बहुत डिटेल से सिंहलियों, तमिलियों, भारत की शांति सेना, ये सारी चीजें हमने डिटेल से पढ़ी थी। तो लिट्टे भी अपनी सफलता में क्या रहा, कामयाब नहीं रहा, और जो अलग राज्य की मांग कर रहा था, अलग देश की मांग कर रहा था, उसमें इसे सफलता नहीं मिली। ISIS हम जानते हैं, इस सीरिया और इराक का ये संगठन है, बहुत बड़े भाग पर इसने कब्जा भी किया, लेकिन जैसे ही रशिया और अमेरिका के प्लेन आए उनका मुकाबला ये नहीं कर पाए और पूरी तरीके से ये बिखर गया। तालिबान का उदाहरण हमने लिया, बोको हराम का उदाहरण लिया, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप हैं, बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप हमने पढ़े हैं। लाल आतंक जिसे माओवाद भी कहा जाता है, ये भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, इन्हें भी टारगेट नहीं मिला। तो यहां से हमें सवाल क्या क्या देखने को मिले, वर्तमान में सत्ता लेना किसका उदाहरण है, किसका लक्ष्य है, आतंकवादियों का लक्ष्य है। माओ केन्या से संबंधित आतंकवादी संगठन कौन सा था, ईओके, ब्रिटिश गुलामी से आजादी को दिलाई गई। FLN अल्जीरिया को आजादी दिलाता है, किससे, फ्रांस से। वर्तमान में जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा आतंकवाद का, ये उदाहरण हमने देख लिए हैं। इसमें अंतिम बिंदु है आतंकवाद का निष्कर्ष, यानी कि क्या निष्कर्ष निकला। तो यहां पर कुछ विद्वान हैं, जिसमें से बेजानिन किंस का वाक्य बोर्ड ने पूछा था, तो आपको ये याद रखना है। पूर्व सोवियत संघ के विद्वान हैं यूरी त्रिफोनाव, ये लिखते हैं, आतंकवाद का विश्व स्तर पर पतन हुआ, रंगमंच खून से तरबतर और चरित्र क्या है, मृत्यु है। इसका मतलब क्या हुआ कि विश्व स्तर पर तो इसका पतन हुआ है, कमी आई है इसमें, लेकिन रंगमंच खून से तरबतर यानी कि पूरा धरातल खून में हो गया है, और इसका जो अंतिम टारगेट है वो क्या है, मृत्यु को प्राप्त होना है। डेविड फॉर्मकिन लिखते हैं, हिंसा आतंकवाद का प्रारंभ है और इसका परिणाम और इसका अंत है। इसका परिणाम क्या है, इसकी मृत्यु के साथ ही हो जाता है। बेनाजिन किंस लिखते हैं,
आतंकवादी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग देखें और सारे लोग सुने, न कि बहुत सारे लोग मरे। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी हिंसा का व्यापक प्रभाव नजर आना चाहिए। आज भी आतंकवाद विश्व शांति सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। विश्व के समस्त देश एकजुट होकर इस दैत्यकारी आतंकवाद का विरोध हमेशा करते रहने चाहिए। यहाँ हमारा आतंकवाद टॉपिक होता है समाप्त। और अब इसके बाद नया टॉपिक है राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ हम बाद में स्पष्ट करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखें, इसका बैकग्राउंड हम देखें, तो उसमें आजादी के बाद भी जीवन में खुशहाली नहीं आई। यानी कि जो हमारे यहाँ अच्छा काम होना चाहिए था, सुदृढ़ व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं आई। वास्तव में जो जीवन में बदलाव आना चाहिए था, वो बदलाव हमें नजर नहीं आया। क्योंकि जिस प्रकार देश में प्रोग्रेस हुई, जिस प्रकार की देश में व्यवस्थाएं हुई, उन व्यवस्थाओं, उन प्रोग्रेसों को हमें नजर आना चाहिए था, हमें दिखना चाहिए था, लेकिन वो सारी चीजें हमें नजर नहीं आई। वो आम जीवन में, व्यक्ति के आम जीवन में जो बदलाव होने चाहिए थे, वो नजर नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि आजादी के बाद भी हमारे जीवन में वही समस्याएं बनी रही जो आजादी से पूर्व में थी। आम जनता है वो गरीबी से त्रस्त है, आम जनता के लिए समस्याएं वैसी की वैसी ही हैं, आम जनता के जीवन में कठिनाई उतनी की उतनी ही है। जब आजादी हमें नहीं मिली थी, तब भी गरीब का शोषण था, आज भी गरीब का शोषण निरंतर बना हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आजादी के बाद भी जीवन के जो मूल्य हैं, जीवन के जो आधार हैं, उनमें सुधार नहीं हुआ है। देश की प्रगति का लाभ आम आदमी को नहीं मिला। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आबादी, दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई विकास दर की यदि हम बात करें, आबादी तो है ही है, आबादी में तो दुनिया में दूसरे नंबर हम हैं, लेकिन विकास की यदि हम बात करें तो भारत सबसे तेजी से विकास करता हुआ देश है। और इस प्रगति में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र हो, और चाहे वो शिक्षा जगत जैसे मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति हो। तीनों क्षेत्रों को मिलाकर हमारी जीडीपी बनती है, हमारी ग्रोथ रेट निकलती है, और इसमें कृषि का तो बहुत बड़ा योगदान हम मानते ही हैं। 50% से ज्यादा हमारे देश में कृषि का योगदान रहा है। देश बहुत आगे बढ़ा, देश ने हर क्षेत्र में विकास किया, लेकिन आम नागरिक को जो कार्य होना चाहिए था, आम नागरिक के लिए जो विकास होना चाहिए था, वो उसे प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में आम नागरिक के लिए जो डेवलपमेंट में हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, उसके जीवन में लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ उसे नहीं मिला। इसका मेन कारण क्या है? राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। इसकी डिटेल व्याख्या हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों बिंदुओं में हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि आजाद भारत कमजोर भारत नहीं है, पिछड़ा भारत नहीं है, अल्पसंख्यकों, जिस प्रकार से अपाहिज अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, उस प्रकार का भारत नहीं है, अपाहिज भारत नहीं है, पंगु भारत नहीं है। भारत बहुत संपन्न राष्ट्रता की तरफ जा रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट देश बनने जा रहा है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका जो लाभ आ रहा है वो उन्हीं समूहों को मिल रहा है। इनमें जो पावरफुल लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, समाज की फर्स्ट पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं, केवल उन्हीं को ये लाभ मिल रहा है। आम जनता, आम नागरिक के नसीब में ये लाभ नहीं आ रहा। उसका मेन कारण क्या है? राजनीतिक अपराधीकरण इसका मेन कारण है, भ्रष्टाचार इसका मेन कारण है। इससे आम व्यक्ति के जीवन में जो लाभ मिलने वाला था, वो उसे नहीं मिल रहा है। बहुत गरीब अभी भी असहाय है। अगर हम देखें, असहाय का मतलब वो आज भी उनके जीवन में कहीं कोई सुधार नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही कि पूर्व एक प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से यदि 1 रुपए भेजता हूं तो
तो कुछ पैसे यानी कि उसका एक बहुत कमजोर सिस्टम या बहुत कम पैसा आम आदमी तक पहुंच पाता है। आज तकनीकी का युग है और मोदी जी ने कल जो मन की बात थी उससे पहले जो सब किसानों को प्रतिनिधि बांट रहे थे 18,000 करोड़ जब दिए, तो उस समय भी उन्होंने बात कही थी कि मैं 1 रुपए अगर यहां से भेज रहा हूं तो रुपए घिस नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है। जितना मैंने पैसा यहां से भेजा है उतना ही डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से किसान के नसीब में जा रहा है, किसान के हिस्से में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब अब धीरे धीरे असहाय में कम होगा, राजनीतिक अपराधीकरण अब कम होना शुरू होगा, भ्रष्टाचार अब कम होना शुरू होगा। लेकिन वास्तव में 72-73 साल हमारे जो आजादी के हो गए उसमें गरीब व्यक्ति असहाय बना हुआ है, इसे या तो योजनाएं पता ही नहीं होती, गवर्नमेंट क्या हेल्प उनकी कर रही है या तो उन्हें ये पता ही नहीं होता। दूसरा, यदि उन्हें पता है तो सरकारी तंत्र उन्हें सपोर्ट नहीं करता। यदि ऐसा भी हो जाता है तब उन्हें जो पेमेंट मिलना होता है, सहायता मिलनी होती है, उसमें भी कमीशनबाजी, भ्रष्टाचार। मुझे अच्छे से याद है कि हमारे यहाँ नरेगा में जब पेमेंट मिलता था तो 2 लोगों के साइन होना जरूरी होते थे। काम हो रहा है, मजदूरी हो रही है, बहुत ईमानदारी से मजदूर मजदूरी भी कर रहा है, लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आती थी तो उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। कुछ ना कुछ हिस्सा हर काम में, चाहे वो सरपंच के द्वारा किसी काम में हो, पंचायत का कोई काम हो, बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, हर जगह कमीशन फिक्स होता था। इस कमीशनबाजी से मुक्ति जब तक भारत को नहीं मिलेगी तब तक देश हित संभव नहीं है। बहुत सारी जगह हमने देखा है देश में पुल बन रहे हैं, पहली ही बाढ़ में पुल बह जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पुल में सारा भ्रष्टाचार था, कुछ लगा ही नहीं। क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है कि कोई भी नई बिल्डिंग इतनी आसानी से गिर नहीं सकती, और अगर उस उद्देश्य के लिए जब उसे बनाया गया है और वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हो रहा है तो बनाने का कोई फायदा ही नहीं। आजादी के बाद अमीर वर्ग का एक तरफा लाभ, हम जानते हैं कि हमने 2 व्यवस्थाएं पढ़ी थी, पहली पूंजीपति व्यवस्था और दूसरी साम्यवादी व्यवस्था। पूंजीपति व्यवस्था में क्या होता है, लाभ के साथ और लाभ बढ़ता जाता है, जिसको एक बार लाभ प्राप्त हुआ उसे बार बार लाभ प्राप्त होता जाता है, यानी कि पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। ये व्यवस्था कहाँ है, अमेरिका में ये व्यवस्था है। वास्तव में अगर देखा जाए तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर आपको पूरी आजादी मिलती है पैसे से पैसा कमाने की। भारत में ऐसी व्यवस्था हमने नहीं अपनाई थी, भारत में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ राजनीतिक जो अपराधीकरण हुआ, हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि अमीर और क्या बनने लग गया, अमीर बनने लग गया, गरीब और क्या बनने लग गया, गरीब बनने लग गया। इसी कारण हम लोग आज राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार को पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से कौन से कार्य हम करें जिससे राजनीतिक अपराधीकरण रुके, अमीर अमीर ज्यादा ना बने, गरीब गरीब ज्यादा ना बने, बीच की खाइयां ज्यादा ना हो। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि अमीर और बीच की, अमीर गरीब की बीच की खाइयां यदि बढ़ेंगी तो समाज के लिए बेहद खतरनाक है, हानिकारक है, और फिर वो क्रांति को जन्म देंगी। राजनीतिक अपराधीकरण में बढ़ोतरी, राजनीतिक अपराधीकरण का सीधा सा अर्थ अगर हम देखें तो ऐसे लोग जो अपराधी पृष्ठभूमि के हैं और वो समाज में सत्ता में आ जाते हैं तो उन्हें हमने क्या कहा है, राजनीतिक अपराधीकरण कहा है। ऐसे लोग जो अपराध में जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, अपराधी पृष्ठभूमि के हैं, उनको राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ